नोएडा के किसी सेक्टर 93 की एक ओमेक सोसाइटी का कोई वीडियो लगातार वायरल होता है और पता चलता है कि अपने आप को कोई बड़ा व्यक्ति समझने वाला, रसूखदार समझने वाला श्रीकांत त्यागी है, जो किसी महिला से इस हद तक की अभद्रता कर सकता है जिसकी हम आम जीवन में आसानी से कल्पना नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूं जयदीप कर्णिक और जरा सोचिए में आप सभी का स्वागत है। इस तरीके से किसी महिला को खुलेआम गालियां देना, धमकाना, उसको न केवल छूने बल्कि मारने की कोशिश करना, वीडियो देखकर लोगों को लगा कि ये क्या हो रहा है। बहुत हंगामा हुआ, बवाल मचा। श्रीकांत त्यागी को 48 घंटे में गिरफ्तार कर लेने की बातें उठी और खुद गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा इस सब मसले में आगे आए और उन्होंने 48 घंटे में इस श्रीकांत त्यागी नामक गालीबाज गुंडे को गिरफ्तार करने की बात कही। श्रीकांत त्यागी गिरफ्त से फिलहाल बाहर हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो वीडियो वायरल हुआ, क्या इस तरह की घटनाएं दिल्ली से सटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि नोएडा इस शहर के अलावा हिंदुस्तान के किसी शहर, गांव, गली, मोहल्ले और बस्ती में नहीं होता? हम सब जानते हैं, अपने दिलों पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि जितना इस वीडियो ने हमको चौंकाया, दरअसल उससे ज्यादा हमारे लोगों को झकझोरा इसलिए कि केवल आज के समय में जब मोबाइल फोन जिसमें कैमरे लगे हैं वो उपलब्ध होने से घटना सामने आ गई, लेकिन इस घटना में नयापन नहीं था। नयापन सिर्फ इतना था कि वीडियो सामने आ गया, वो व्यक्ति ऑन कैमरा इस तरह की हरकत करते हुए पकड़ा गया, बवाल मचा है, लेकिन उसका ये बवाल नया नहीं है। इतिहास बता रहा है कि इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति उसकी पहले से रही है। हिंदुस्तान के तमाम जिलों में, तमाम शहरों में, तमाम गांवों में, मोहल्लों में, गलियों में अपने आप को रसूखदार समझकर आधिपत्य जमाने की कोशिश, धौंस जमाने की कोशिश करने के मसले न केवल आम हैं, पर वहां पर बड़ी बात यह है, महिलाओं के साथ अभद्रता और गाली गलौज भी इतनी आम हो चुकी है कि समाज बहुत हद तक उसको कहीं ना कहीं स्वीकार भी करता चला गया था। उससे बड़ी एक बात यह भी है कि यह भी माना जा रहा था कि इस तरह के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। दुख की बात यह है कि उन सारे शहरों में, उन गली मोहल्लों में, उन घटनाओं के होते वक्त मोबाइल फोन शायद हैं, आगे जाकर वायरल भी होंगे, लेकिन वहां पर कोई फिल्म सिटी या इतनी मात्रा में ओबी वैन उपलब्ध नहीं है जो लगातार इस घटना का पीछा करके यह तय करवाएं कि न केवल इस गुंडे का अहंकार ध्वस्त हो बल्कि उसके द्वारा किया गया घर के पास का अवैध निर्माण भी ध्वस्त हो जाए। हम उम्मीद करें कि इस तरह की तमाम घटनाएं या तो हो ना, और जब भी हो तो जिस तरह की तत्परता श्रीकांत त्यागी, हालांकि उसका पकड़ा जाना शेष है, पर जिस तरह की तत्परता श्रीकांत त्यागी के मामले में पुलिस से लेकर, नेताओं से लेकर प्रशासन ने दिखाई है, इसी तरह के गालीबाज, ध्वंसबाज, बंदूकबाज, लठैतबाज, मारपीटबाज गुंडों के खिलाफ लगातार होती रहेगी, तभी हम समाज को बेहतर स्थिति में ले जा पाएंगे। आखिर क्या कारण है कि 2019 में जो नोटिस नोएडा अथॉरिटी ने भेजा था इस श्रीकांत त्यागी को, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन श्रीकांत त्यागी का वीडियो वायरल होता है तो उसके घर पर अगले ही दिन सुबह सुबह नोएडा अथॉरिटी के लोग पहुंच जाते हैं, ना केवल वहां पर हथौड़ियां चलती हैं, गेती चलती है, फावड़े चलते हैं, बल्कि बुलडोजर भी पहुंच जाता है। वो बुलडोजर जहां पर नोएडा स्थित है, उत्तर प्रदेश में, देश के सबसे बड़े सूबे में, वो बुलडोजर यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान बन चुका है। इस बुलडोजर के चलने से अच्छी बात तो यह हुई है कि इस बुलडोजर ने साबित किया है कि यह हिंदू मुस्लिम देखकर नहीं चल रहा, जैसा कि आरोप लगातार लग रहा है, यार उस व्यक्ति पर चल रहा है जिसका अहम उसकी शख्सियत से बड़ा है और वो खुद को कानून से ऊपर समझता है। अच्छी बात है, लेकिन यह 2019 से अब तक क्यों नहीं चला? क्या इसका जवाब भी वो जिम्मेदार लोग देंगे जो इस पर हाथ धरकर बैठे रहे? क्या हर मामले में किसी सांसद को जाकर किसी मुख्यमंत्री को फोन करना आवश्यक है और तभी यह बुलडोजर चलेगा? और यह बुलडोजर केवल मुख्यमंत्री के परिचय के साथ क्यों जुड़ा हुआ है?
हर उस अधिकारी नेता मंत्री के साथ क्यों नहीं जुड़ा हुआ है जो अपने आप को अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ दिखाता है पर ऐसा कर नहीं पाता हर बार। यही बड़े सवाल हैं जो इस पूरी घटना को लेकर हमको कचोटते हैं, हमारे अंदर झांकने के लिए हमको प्रेरित करते हैं। और उस सोसाइटी के तमाम लोगों के बयान अगर हम सुने तो यह श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति इस तरह की हरकतें लगातार करता रहा, ध्वस दपट देता रहा, महिलाओं को धमकाता रहा, बच्चों को धमकाता रहा, यहां तक कि सोसाइटी का मेंटेनेंस भी नहीं देता था। कितने हताश होंगे वो लोग। और जब ये मामला तुल पकड़ ही गया महिला के साथ अभद्रता वाला, गाली गलौज वाला, तो उसके अपराध लोग से नए नए प्रेत निकलकर सामने आने लगे कि वो ध्वस भी देता था, मेंटेनेंस भी नहीं देता था। और अब आगे जाकर ये बात, उसने अवैध निर्माण भी किया था। अब तो ये भी बात सामने आ रही है कि नोएडा में कोई उसकी 15 दुकानें हैं जहां पर जीएसटी के हेरफेर को लेकर भी कार्रवाई होगी। क्यों भाई साहब, उसने महिला के साथ अभद्रता की, तब उसकी सारी गैरकानूनी गतिविधियां आपको क्यों नहीं दी? ऐसे कई श्रीकांत त्यागी हैं जो इस सिस्टम का माहौल उड़ा रहे हैं, ऐसे कई श्रीकांत त्यागी हैं जो महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं, ऐसे कई श्रीकांत त्यागी हैं जिन्होंने अवैध निर्माण कर रखे हैं, और ऐसे कई श्रीकांत त्यागी हैं जिन्होंने अपना जीएसटी नहीं भरा है। आप किसी महिला के खिलाफ हाथ उठाने की वो हिम्मत करें, उनका वीडियो वायरल हो उसके पहले ही उन तक पहुंचिए, उनके गिरबान को पकड़िए, तब जाकर हम इस तरह की घटनाओं को रोक पाएंगे, अन्यथा हम केवल लकीर पीटते हुए ही नजर आएंगे। जरा सोचिए।